24 तीर्थंकर में से 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली। 1985 में यहाँ से 10 फीट अंडरग्राउंड खुदाई हुई है। अच्छा, खुदाई में सारी मूर्तियाँ अंडरग्राउंड निकली। वहाँ पे कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो हजारों साल पहले जमीन से निकली हुई है और वो खंडित होने के कारण उनको म्यूजियम में रखा गया है। वाराणसी, जिसके कण कण में शिव बसते हैं, वो शैव धर्म के साथ साथ जैन धर्म के भी प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान पार्श्वनाथ का जन्म करीब 3000 साल पहले गंगा किनारे स्थित ऐतिहासिक शहर वाराणसी में राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी के घर हुआ। जय जिनेन्द्र, मैं हूँ खुशबू जैन और इस वक्त मैं भगवान पार्श्वनाथ की जन्मस्थली भेलूपुर, जो कि काशी बनारस में स्थित है, उसी धर्मस्थल उसी तीर्थस्थल में यहाँ पर मौजूद हूँ। तीर्थंकर बनने से पूर्व भगवान पार्श्वनाथ का प्रारंभिक जीवन एक राजकुमार के रूप में व्यतीत हुआ। सिर्फ पार्श्वनाथ प्रभु की ही नहीं बल्कि पार्श्वनाथ प्रभु के साथ साथ सुपार्श्वनाथ प्रभु, श्रेयांशनाथ प्रभु और चंद प्रभु की भी जन्मस्थली है। जैन ग्रंथों के अनुसार प्रभु पार्श्वनाथ को तीर्थंकर बनने से पहले 9 पूर्व जन्म लेने पड़े थे और 10वें जन्म में वे तीर्थंकर बने। The tradition of Jain religion and tirthankars is eternal. प्रभु पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में ही सांसारिक जीवन त्याग कर सन्यासी हो गए। वाराणसी के संवेद पर्वत पर 83 दिन तक कठोर तपस्या करने के बाद प्रभु पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान यानी कि एनलाइटमेंट की प्राप्ति हुई। ये मंदिर कितनी पुरानी है और यहाँ की क्या विशेषता है? ये मंदिर का तो जीर्णोद्धार तो हुआ है, ये तो 35-36 साल हो रहा है। अच्छा। सर्वप्रथम कुमार गुप्त के कार्यकाल में 4वीं शताब्दी के मध्य मंदिर का निर्माण कार्य कराया गया। इस मंदिर का दोबारा निर्माण मुगल कार्यकाल में 16वीं शताब्दी में पुनः कराया गया। सन 1988 में जैन समाज द्वारा भगवान पार्श्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ। आप जानते हैं, हम सारे लोग सारनाथ के नाम से जाना जाता है, जहाँ श्री अंतनाथ जन्मभूमि पर्यटन। अच्छा। और जो श्री अंतनाथ जन्मभूमि सारनाथ। अच्छा, तो सारनाथ जो है, सारनाथ स्तूपा जो है, वो श्रेयांशनाथ जी का जन्मस्थल है। जब मंदिर की नींव खुदाई की जा रही थी तब एक के बाद एक मिट्टी की 3 परतों में अलग अलग नींवें दिखाई दी, जिसके बाद और खुदाई में प्राचीन जैन मंदिर की अनेकों मूर्तियां प्राप्त हुई जो खंडित अवस्था में मिली। म्यूजियम बनाया है। चलिए मैं आपको अभी जैन म्यूजियम की भी दर्शन करवाती हूँ। वहाँ पे कुछ ऐसी मूर्तियाँ हैं जो हजारों साल पहले जमीन से निकली हुई है और वो खंडित होने के कारण उनको म्यूजियम में रखा गया है। भारत के सभी प्रांतों में जैन पुरातत्व की सामग्री और मूर्तियाँ जैन मंदिरों देश विदेश के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं और बहुत बड़ी संख्या में अब भी जंगलों, पहाड़ों और अनेक नगरों के भीतर बाहर बिखरी हुई और असुरक्षित दशा में पड़ी है। सारी बहुत ही प्राचीन मूर्तियाँ हैं जो खंडित हो गई थी और जिसकी वजह से ये पार्श्वनाथ भगवान जी की जो जन्मस्थली है उसके लिए म्यूजियम में रखा गया है। यहाँ पर मुझे एक बहुत ही अद्भुत चीज़ देखने को मिली कि ये जो मूर्ति है यहाँ पर म्यूजियम में, इसमें एक भाषा में कुछ शब्द लिखे गए हैं जिसका अनुमान आज तक कोई नहीं लगा पाया है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, क्योंकि ये ना तो प्राकृतिक लैंग्वेज है ना ही संस्कृत है और इसको शेयर भी किया गया है कि कोई अगर पहचान सकता है इस लैंग्वेज को तो हमें बताए। यदि आप जानते हैं कि ये कौन सी प्राचीन भाषा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जैन धर्म जो है वो बहुत ही प्राचीन है, ये सारी चीज़ें दर्शाती है क्योंकि इतिहास में भी इससे भी और बहुत सी प्राचीन चीज़ें मिली है हमें। इनका संरक्षण करना और इन्हें जन जन तक पहुँचाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी क्रम में अब हमारी टीम इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ प्रदेश से करने जा रही है। इस अभियान के लिए हमें जन सहयोग की आवश्यकता होगी। यदि आप भी इस मुहिम से जुड़कर हमें किसी भी तरह से सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप हमें वीर फाउंडेशन के इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो मैं सभी सहधर्मियों बंधुओं से अपील करना चाहूँगी कि आप इस धर्म स्थल को, इस तीर्थ स्थल पर जरूर आए और इसका दर्शन लाभ जरूर लें। ऐसी भूमि को, ऐसी धरा को स्पर्श करके मुझे बहुत ही आत्मसंतुष्टि महसूस हो रही है। जय जिनेन्द्र। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। फॉलो फॉर मोर।